सबसे पहले तो मैं आपको अपनी अर्निंग और उस वेबसाइट की मंथली ट्रैफिक के कितने विजिटर आते हैं वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये यकीन हो कि जब आप यहाँ पे आप आर्टिकल लिखेंगे तो कितने विजिटर और कितनी अर्निंग आपको हो सकती है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, यहाँ पे आपको साइट पे इसकी ट्रैफिक नज़र आ रही होगी। यहाँ पे तकरीबन 57 मिलियन मंथली विजिटर हैं, और अगर हम बात करें कंट्री वाइज की तो सबसे ज़्यादा आता है यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद इंडिया और भी दूसरे कंट्रीज हैं। और मैं आपको यहाँ पे दूसरी साइड पे आपको अर्निंग भी दिखा देता हूँ कि ये अर्निंग हो रही है। अब अर्निंग आप कहेंगे कि यार इतनी थोड़ी अर्निंग, वो वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आर्टिकल अपनी तरफ से नहीं लिखता था, मैं जस्ट करता था कॉपी पेस्ट, तो व्यूज़ आते थे लेकिन मुझे अर्निंग नहीं हो रही थी। फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपके आर्टिकल में कॉपी पेस्ट है, तो आप इसे इस तरह करें, इसे रिमूव करें, और जब आप रिमूव करेंगे तब जब आप नए आर्टिकल लिखेंगे और अपनी तरफ से लिखेंगे तब आपको अर्निंग होगी। और ये अर्निंग जो मुझे हुई है वो सारे ओरिजिनल कॉन्टेंट की हुई है, तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करना करेंगे तब भी आपके आपके साथ भी आपको यही अर्निंग होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि आपने किस तरह से इस पर वर्क करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे बना लेना है अकाउंट। अब आप कहेंगे कि यार वेबसाइट का नाम तो बताएं तब हम अकाउंट बनाएंगे, तो इस वेबसाइट का नाम है medium.com। अब यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो में चल के बताता हूँ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, कहने चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी करना है। अगर अगर आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं। अब बात स्टार्ट करते हैं कि आपने इस पर किस तरह से वर्क करना है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं और ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तब भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। अब कैसे, आपने कंटेंट वहाँ पे भी लिखा, जैसे कहते हैं ब्लॉग पे आर्टिकल लिखा, उसे सेम यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे तो आपने अकाउंट को जस्ट 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है, आपने इंस्टेंट लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। जब आप अकाउंट बना लेंगे तब आपने इसका ज्वाइन कर लेना है मीडियम पार्टनर प्रोग्राम। अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरह से इसे ज्वाइन कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, एक वीडियो देख लें, वहाँ पे आपको A to Z पता चल जाएगा कि असल में ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद आपने लिखना है आर्टिकल, आर्टिकल का टाइटल जो है ना वो आई कैची होना चाहिए, मतलब लगे कि यार वाकई ये आर्टिकल होगा। जितना रीडर आपके आर्टिकल को रीड करेगा उतना आपको अर्निंग होगी। तो मेरी अर्निंग जो थोड़ी थी उसकी मेन वजह यही थी कि मैं एक तो कॉपी पेस्ट करता था और दूसरा ये कि मैं बस ऐसे ही लिख के चला जाता था, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे और आपको अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होगी। अब बात यह थी कि हम इसे पेमेंट विदड्रा कैसे करेंगे, तो पेमेंट के लिए आपको चाहिए होगा एक स्ट्राइप अकाउंट। तो स्ट्राइप तो नहीं है लेकिन आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, आपको चाहिए होगा पायोनियर। तो पायोनियर में आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं, तो आपने वह पायोनियर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका एक पेमेंट गेटवे है जिसे हम कहते हैं जी कम्युनिटी फेडरल, या दूसरे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट के, तो आप वो उससे कनेक्ट करके इससे अर्निंग जो है ना वो ले सकते हैं। और मिनिमम जो विदड्रॉल है वो जस्ट $1 है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको वो फॉर्म देंगे कि आप फॉर्म फिल करें आप किस कंट्री से हैं। अब जब आप ये मीडियम पार्टनर प्रोग्राम जो है ना वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई VPN वगैरह लगाना पड़ेगा और आप आसानी के साथ जो है ना यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।